नमस्कार, मैं हूँ रीमा और मैं आपको बताऊंगी शर्मा जी नमकीन आपको क्यों देखनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, लेजेंड ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म है, कैंसर से जूझते हुए उन्होंने शूट की है, उन्हें ट्रिब्यूट के तौर पर देखना बनता है। दूसरा, OTT पर परोसे जा रहे हर तरह के कंटेंट के बीच एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है जो आप देख सकते हैं। कहानी क्या कहती है, सिंगल फादर हैं शर्मा जी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर के अब घर पर बैठे हैं, घर की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, दो बेटे हैं जो उनकी दुनिया है, लेकिन दो बेटों की दुनिया में और भी बहुत कुछ है। अब शर्मा जी ये बात समझने लगते हैं, लंबी इज्जतदार नौकरी के बाद घर बैठना उनको गवारा नहीं हो रहा है, बोर हो रहे हैं क्योंकि बेहद जिंदा दिल और क्रिएटिव इंसान है। नौकरियां ढूंढनी शुरू करते हैं लेकिन रिटायरमेंट की एज में नौकरी उन्हें कौन देगा। ऐसे में उनके दोस्त जो कैरेक्टर प्ले किया है सतीश कौशिक ने, वो उनकी बेहतरीन कुकिंग स्किल्स को लेकर के उन्हें एक जॉब ऑफर करते हैं और इस तरह से लैंड करते हैं वो मस्त मौला बिंदास लेडीज के किटी ग्रुप में, जो शर्मा जी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब ये सब अच्छा चल रहा है जब तक उनके बर्थडे की सरप्राइज पार्टी जो उनके बेटों ने प्लान करी है उस दिन सोशल मीडिया पर उनकी उस किटी के लेडीज ग्रुप में नाचते हुए एक वीडियो नहीं वायरल होती। उसके बाद तो समझिए तूफान आ जाता है। अब क्या करेंगे शर्मा जी, अपने दिल की सुनेंगे या समाज की सुनेंगे? इसी के लिए आपको ये फिल्म देखना तो बनता है। कभी शर्मा जी का कैरेक्टर आपको मजाकिया लगेगा, कभी आपको उन पर तरस आएगा, आपको दया भी आएगी, कभी वो आपको मोटिवेट करते हैं। उनके जो सेल्फ डाउट्स चलते रहते हैं ना, दरअसल वो हर इंसान के अंदर हैं और जिन सोसाइटल स्टिग्मास को दिखाया गया है वो अक्सर हमें आसपास देखने को मिल जाते हैं। सोसाइटी अप्रूव्ड नॉर्म्स जो हैं उस हिसाब से ज़िंदगी को जीना मजबूरी और ज़रूरी दोनों बना दिया गया है। ऐसे में शर्मा जी के दिल की बात सुनना और अपने ढंग से जीना अगर आपको सीखना है तब भी आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। हितेश भाटिया और को राइटर सुप्रतीक सेन ने कहानी तो दिल छूने वाली लिखी है और दोनों शर्मा जी यानी ऋषि कपूर और परेश रावल ने बखूबी इस किरदार को निभाया है। ऋषि कपूर का जो पेंडिंग रोल था उसे मैच करना परेश रावल के लिए चुनौती थी, जो उन्होंने बखूबी जिया है। जूही चावला, परमीत सेठी, सतीश कौशिक, सुनील नैयर, शिवा चड्डा, ईशा तलवार, तारक रैना सभी फिट और हिट हैं अपने कैरेक्टर्स में। 2 घंटे 39 मिनट की फिल्म है, आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। हितेश की डायरेक्शन सती हुई है, पीयूष का कैमरा वर्क उमदा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन उन्हें हर तरीके से शर्मा जी के आसपास गूंथ के रखना एक चुनौती थी जो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया है। प्राइम वीडियो पर आप इसको देख सकते हैं। कोई भी किरदार अपनी रेलेवेंस और स्पेस नहीं खोता है, ये एक सबसे अच्छी बात है। तो जिंदगी को शर्मा जी के चश्मे से देखिए, मजा आएगा। ये है आज तक डिजिटल की अल्ट्रा रिकमेंडेशन।